हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कम बजट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, गेमिंग डेस्कटॉप है वो बनाने वाले हैं। इसका आपका बजट 20 से 25,000 के अंदर आराम से आप लोग एक है वो गेमिंग पीसी है वो बिल्ड कर सकते हो। इसके अंदर मैंने लिया क्या क्या है वो मैं आपको बता दूँ। कोर i5 6 जनरेशन का प्रोसेसर है, 2 TB हार्ड ड्राइव लिया मैंने और DDR4 4 GB की 2 रैम लिए, 8 GB रैम हो गई, 256 GB SSD लिया है और जेब्रोनिक का ग्राफिक कार्ड लिया है, GT610 ग्राफिक कार्ड लिया है मैंने इसके अंदर और एक जेब्रोनिक का मदरबोर्ड लिया है। इसको हम लोग कैसे बिल्ड करने वाले हैं वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और हाँ, चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है और आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबा दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग है वो बिल्ड कर सकते हैं। इस पीसी का बजट है लगभग 20 से 25,000 के बीच में बजट जाने वाला है और इजिली आप लोग इस पीसी को बिल्ड कर सकते हो। इसके अंदर आप गेमिंग कर सकते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, बहुत सारे काम है वो आप इजिली कर सकते हो, GTA 5 गेम खेल सकते हो, अदरवाइज आप जो भी गेमिंग सीरीज के अंदर लेना चाहो वो इजिली आप लोग है वो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली हमने क्या एक हल्का सा कैबिनेट लिया, आप देख रहे होगे ये मार्केट के अंदर आपको 1500 या 1200 कुछ के आसपास है वो कैबिनेट है वो मिल जाएगा। तो इजीली सस्ता कैबिनेट लिया क्योंकि हमें गेमिंग करना है, फालतू के पैसे इसमें लाइटिंग वाइटिंग का वेस्ट है वो नहीं करना, क्योंकि अपने बजट के हिसाब से चलना है ताकि हम लोग गेमिंग पीसी है वो बिल्ड कर सके। बाकी आपका शौक है, आप लाइटिंग वगैरह करना चाहो तो आप थोड़ा हेवी है वो कैबिनेट है वो परचेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आप। अब हमने ये पावर सप्लाई और ये सारा सिस्टम है वो निकाल लिया। अब हम इसके अंदर बिल्ड करने वाले हैं मदरबोर्ड, तो पूरा शुरू से स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। तो मैं सबसे पहले मदरबोर्ड है तो वो ओपन सिंपली अपने डेस्कटॉप के अंदर लगाएंगे, तो ये वाला पोर्ट है वो भी नीचे लगाएंगे ताकि बारिश के समय सीपीयू में किसी भी टाइप की अर्थिंग है वो न बने। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसको लगाते हैं, तो इसका खास करके ध्यान रखें हम लोग नीचे ये भी लगाएंगे ताकि बोर्ड के अंदर किसी प्रकार का वो शॉर्ट सर्किट भी न हो। तो बोर्ड को आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अब मैं इसको बोर्ड को है वो इसके अंदर फिट करता हूँ। तो इसके अंदर आपको कुछ बोर्ड के साथ में इस टाइप से कुछ आता है तो इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है और सबसे पहले इसको आपको यहाँ पे लगा देना है। तो ये ब्लेड लग गई, उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, बोर्ड को इसमें ये जो खांचे दिख रहे हैं इनमें वैसे के वैसे मिला के लगा देना है। उससे पहले आप यहाँ पे कुछ खाली जगह देख रहे होंगे, इनमें कैबिनेट के अंदर कुछ ऐसे स्क्रू आते हैं, इनको आपको सिंपली क्या करना है बाहर निकालना है। तो मैं इन सभी स्क्रू को वो बाहर निकाल लेता हूँ और इसमें ये वाले जो स्क्रू दिख रहे हैं आपको वो यहाँ पे आप लोगों को लगाने हैं, जो आपको ये होल दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे इनके अंदर इन स्क्रू को अच्छे से आपको कस लेने हैं। तो चलिए मैं कस लेता हूँ। ये सारे स्क्रू हम लोगों ने वो क्या कर लिया, टाइट से कस लिया है। उसके बाद आपको सिंपली इसको साथ में सबसे पहले जहाँ जहाँ आपको होल दिख रहे हैं ना वहाँ वहाँ, जैसे ये वाला होल आ रहा है ना तो वहाँ पे इसको आपको हल्का सा प्रेस कर देना है। तो ये वाला देखो यहाँ पे निकल जाएगा, फिर हल्का सा आपको यहाँ पे कर देना है। तो ये देखिए यहाँ वाला भी निकल जाएगा, हल्का सा आपको यहाँ से दबा देना है तो ये वाला भी निकल जाएगा। अब हल्का सा आपको यहाँ पे भी दबा देना है तो ये वाला भी निकल जाएगा। अब नीचे क्या बोर्ड के जो हिस्सा होता है निकले वाला, इसमें किसी भी प्रकार का अर्थिंग है वो नहीं होता, जिससे आपके करंट वगैरह है वो आने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे उसमें जो प्रॉपर खांचे हैं वो मिला के इसको आपको क्या करना है, इस बोर्ड को फिट कर देना है। तो चलिए मैं बोर्ड को फिट कर दूँगा। वो इजीली हम लोगों ने फिट कर दिया। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं प्रोसेसर, तो देखिए प्रोसेसर को कैसे डालते हैं। अब देखिए प्रोसेसर जैसे आप फिट करो तो आपको मैं दिखा दूं, प्रोसेसर के अंदर आपको ये वाला कट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इस सेम कट है वो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही कट आपको यहाँ बोर्ड के अंदर मिलेंगे, ये देखिए ये कट रहा एक और सेम सामने वाला ये कट रहा ऐसा का ऐसा। अब आपको करना क्या, इस वाले कट में इस वाले कट को है वो प्रॉपर ऐसे मिलाना है, देखो मैंने मिला दिया और प्रोसेसर को रख देना है। तो ये प्रोसेसर है वो फिट हो गया, गलत लगा दोगे तो प्रोसेसर के अंदर वाली जो छोटी छोटी पिनें होती है वो टूट जाएगी। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या कर देना है, इसको लॉक कर देना है। अब इसमें हम लोग लगाने वाले हैं फैन। अब प्रोसेसर लग चुका है अपने, अब काम रहा है फैन लगाने का, अब हम लोग प्रोसेसर के ऊपर है वो फैन लगाने वाले हैं। तो ये जो फैन है वो लग चुका है, अब अपने सिंपली इसको है वो पावर देनी है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको लिखा होगा सीपीयू फैन, तो यहाँ पे आपको सीपीयू फैन है वो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बोर्ड के अंदर है वो कनेक्ट है वो कर देना है। तो ये सीपीयू फैन है वो इजीली है वो कनेक्ट हो चुका है। अब अपने काम करते हैं, हार्ड ड्राइव और रैम और ये सारा सिस्टम है वो लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं रैम डाल देता हूँ उसके अंदर।
और रैम में वो लग चुकी है, अब अपने लगाने वाले हैं इसके अंदर ग्राफिक कार्ड। तो चलिए आपको ग्राफिक कार्ड है वो दिखाता हूँ। तो ये सारा सिस्टम लग चुका है, फ्रेम वगैरह लग चुके हैं, इनको अपने करते हैं साइड में। अब बात आती है ग्राफिक कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब अपने ग्राफिक कार्ड है वो लग चुका है, अब हम लोग लगाने वाले हैं हार्ड ड्राइव, जो 2 TB का हार्ड ड्राइव है, क्योंकि गेमिंग सीरीज के अंदर हम लोगों को कम से कम 2 TB स्टोरेज है वो चाहिए। तो चलिए अपने हार्ड ड्राइव है वो लगाते हैं। अब अपने करने वाले क्या है कि हार्ड ड्राइव व SSD को है वो SATA से वो कनेक्ट करने वाले मदरबोर्ड से। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। ये अपने हार्ड ड्राइव व SSD का है वो SATA से कनेक्शन हो चुका है। अब अपने क्या करने हैं, SMPS पावर सप्लाई से वो कनेक्ट करने वाले हैं। तो मैंने इसके अंदर पावर सप्लाई दिया वो नॉर्मल लिया, ताकि गेमिंग सीरीज के अंदर हम लोगों का जो बजट है वो ज़्यादा ऊपर है वो न जाए। तो चलिए अब हम लोग इनको है वो स्टेप बाय स्टेप है वो कनेक्ट करते हैं, यानी CPU का DC के अंदर है वो, यहाँ पे CPU का कनेक्टर लगा होता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे वो कनेक्ट हो चुका है। अब अपने को SSD व हार्ड ड्राइव को है वो कनेक्शन देना है पावर से। तो मैं सबसे पहले हार्ड ड्राइव में अंदर लगा देता हूँ इसको। तो ये हार्ड ड्राइव के अंदर है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, आप देख रहे होंगे। अब आप मुझे SSD के अंदर लगाना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं SSD के अंदर भी इसको कनेक्ट है वो कर लेता हूँ। तो ये SSD में भी कनेक्ट हो गया है और हार्ड ड्राइव के अंदर भी है वो कनेक्ट हो गया है। अब अपने क्या करने वाले हैं कि जो CPU के अंदर USB और ऑडियो है वो जोड़ने वाले हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। ऑलमोस्ट अपना CPU है वो बन चुका है, ग्राफिक कार्ड लग चुका है, प्रोसेसर लग चुका है, रैम लग चुकी है, हार्ड ड्राइव लग चुका है और SSD है वो भी लग चुकी है। अब अपने इसको ऑन करते हैं, विंडोज सिस्टम है वो इंस्टॉल करते हैं। विंडोज इंस्टॉल है वो आपको नहीं करना आता है, तो आपको आई बटन के अंदर ऊपर वीडियो मिल जाएगा, उसमें पर आप जाकर क्लिक करके ईजिली वो आप विंडो इंस्टॉल करना है वो सीख सकते हो। तो इतना मैं वीडियो पॉज करके विंडो इंस्टॉल है वो कर रहा हूँ। दोस्तों इस तरीके से आप लोग कम बजट के अंदर, जितना आपका लोएस्ट बजट होता है उस बजट के अंदर आप सिंपली वो एक गेमिंग PC है वो बिल्ड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा होगा। तो ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।